गोंडवाना यूनिवर्सिटी के अन्यायकारक नीति को लेकर विद्यार्थियों ने राजू सोड़े के नेतृत्व में धरना आंदोलन किया। बीई ग्रेजुएशन बीएससी के विद्यार्थियों पर गोंडवाना यूनिवर्सिटी के अन्यायकारक नीति का फटका बैठ रहा है। विद्यापीठ की मनमानी कारोबार से बड़े पैमाने पर शैक्षणिक नुकसान होने का आरोप राजू झोड़े ने किया और इसके लिए असंख्य पीड़ित विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन कर यूनिवर्सिटी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। पीड़ित विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर गोंडवाना यूनिवर्सिटी के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। सीजीएस ओल्ड पैटर्न के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के गोंडवाना यूनिवर्सिटी के गलत धोरण से 2 से 3 वर्ष व्यर्थ जाने वाले थे, उन्हें कैरी ऑन किया जाए या वे रह गए विषय में पास हो सके, इसके लिए 4 अटेम्प्ट में अवसर दिया जाए, ऐसी मांग राजू झोड़े ने की तो उनके सुधारित परिपत्रक निकालकर यूनिवर्सिटी ने मांग मान्य की। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले बीई द्वितीय वर्ष में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को नागपुर यूनिवर्सिटी के मुताबिक कैरी ऑन किया जाए और वे रह गए विषय में पास हो सके, इसके लिए 4 अटेम्प्ट का अवसर दिया जाए, यह मांग यूनिवर्सिटी ने मान्य नहीं की, तब यह मांग भी पूरी की जाए, इसके लिए विद्यार्थियों ने जोरदार मांग की। उक्त अमान्य की मांग यह विद्यार्थियों की दृष्टि से अन्यायकारक होकर विद्यार्थियों का बड़ा शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। उनका शैक्षणिक नुकसान न हो इसलिए विद्यापीठ ने यह नियम बदलकर विद्यार्थियों का होने वाला नुकसान टाले, इसके लिए जिलाधिकारी इन्हें असंख्य विद्यार्थियों ने राजू झोड़े के नेतृत्व में निवेदन दिया। उपरोक्त नियम में बदलाव कर विद्यार्थियों का होने वाला नुकसान नहीं रोका गया तो विद्यार्थी गोंडवाना यूनिवर्सिटी के मनमानी कारोबार के विरोध में गोंडवाना यूनिवर्सिटी में जाकर तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा राजू झोड़े ने प्रशासन को दिया। निवेदन देते समय राजू झोड़े, रोहन करात, रोहित चुटे, प्रियंका नागतोड़े, स्नेहल पगाड़े, अंकिता गुंफला, मयूरी पारशिवे, सौरभ तिजारे, सूरज सुमना के, हितेश निखाड़े, आकाश आत्राम, राकेश उमरे, देवानंद गावड़े, अनीता डुमरे, सतीश तिवारी, अंकुश पिंपड़कर, अंकुश आसापेल्ली तथा विद्यार्थियों ने दिया। का विद्यार्थी हूँ और मैं सेकेंड ईयर में CBCS पैटर्न में अभी अपना एजुकेशन ले रहा था। तो अभी जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के बैक है, एक दो सब्जेक्ट, तो हमको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रही है। एक यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करना होता है, बट हमारा जो फर्स्ट ईयर के एक दो सब्जेक्ट रुके हुए हैं उसके कारण हमको मिल रही नहीं है। बट ऐसा हर यूनिवर्सिटी में अभी तक ऐसा हुआ है कि जो भी यूनिवर्सिटी चेंज हुई है वहाँ पर कैरी ऑन मिला है, बट हमारी यूनिवर्सिटी को ये होश ही नहीं है कि कैरी ऑन का क्या होता है, कि हम मिलना चाहिए, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ है ही नहीं उनको। बाकी उन लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से एडमिशन करो, एडमिशन करने के बाद में जो विद्यार्थी ने स्कॉलरशिप वगैरह उठा लिया है तो उसको फिर से तो स्कॉलरशिप मिलेंगी नहीं, फिर हमको हम इसकी फीस कैसी भरेंगे। और 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपये हम लोग अभी 2 साल के भरे और ये 1-2 साल जाएगा हमारा, वो हम लोग 3 साल का एजुकेशन लॉस करके हम फिर से प्रेशर फर्स्ट ईयर में आके फिर कैसी हम लोग फिर से चालू करेंगे। कोई इतना लॉस होने के बाद में ऐसा कैसा कर सकता है कि फिर से पढ़ाई करेंगे। इसलिए राजू भाऊ झोड़े जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं उनका उनके सपोर्ट से हम यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे सेकेंड ईयर में जो अभी बच्चे थे जिनका फर्स्ट ईयर में अटका है बैक है उनको जल्द से जल्द कैरी ऑन मिलना चाहिए, और नहीं तो 4 से 5 अटेम्प्ट का मौका हमको भी मिलना चाहिए। गोंडवाना यूनिवर्सिटी जब से बनी तब से चंद्रपुर गढ़चिरौली के विद्यार्थियों के लिए विवादास्पद ये यूनिवर्सिटी रही है, चाहे वो फीस का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एडमिशन के प्रोसेस को लेकर रहो। गोंडवाना यूनिवर्सिटी जब बनी तब राष्ट्रसंत तुकड़ोजी यूनिवर्सिटी से अलग होकर जब बनी तो यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को 5 अटेम्प्ट इन्होंने एग्ज़ाम देने का मौका दिया, लेकिन इस 2-1 साल से CBC पैटर्न के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ उसको लेके BA, BSc, BCom, BBA ये सारे विद्यार्थियों में एक असंतुष्ट वातावरण निर्माण हुआ था कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें मौका नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हम लगातार पिछले 20-25 दिन से हमने यूनिवर्सिटी को
जिला अधिकारी साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री साहब को पत्र दिया, पालक मंत्री को पत्र दिया, सारे लोगों को पत्र देके हमने अगवा किया कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को अधिकार नहीं है। तो उसमें उन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सारे विद्यार्थियों को अटेम्प्ट देने का उन्होंने मौका दिया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को उन्होंने मौका दिया नहीं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी निकम्मी है, इन्होंने साबित करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को बाटू से जोड़ के वहाँ पे बाटू के यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर के विद्यार्थियों को कैरी ऑन का मौका न देते हुए सीधा सीधा उन्हें एडमिशन लिया जाए, फर्स्ट ईयर से फ्रेशर एडमिशन करके आप इस प्रकार का अन्यायकारक निर्णय उन्होंने बाटू और गोंडवाना यूनिवर्सिटी मिलके विद्यार्थियों के ऊपर थोपा, जो कि विद्यार्थियों का चार साल बर्बाद हो रहा। ये बर्बादी के पीछे का कारण कुलगुरु गोंडवाना बाटू, इन्होंने जल्द से जल्द विद्यार्थी सेकेंड ईयर बी के विद्यार्थियों को कैरी ऑन देते हुए जैसे राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज ने दिया, उन्हें दिया गया, उसी प्रकार यहाँ के यूनिवर्सिटी ने भी हमारे विद्यार्थियों को देना चाहिए। अन्यथा हम गोंडवाना यूनिवर्सिटी में घुसकर हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, आज जो हम कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन कर रहे हैं।